वेलकम टू कपिल शर्मा शो. कपिल शर्मा यार, तेरे पास 500 का छोटा है? नहीं यार. तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो. 500 का नोट तो दे. नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता. मुफ्त है अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है. मेरी बेइज्जती कर दी तुमने. बेइज्जती वाली कौन सी बात है, मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है. नहीं तो ध्यान से देखो इसका मुंह, तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा. भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है. आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक. कैसे आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं मैं कल सोचा था तेरे बारे में. क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है. हाँ, ऐसी बातें किया करो. हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया भाई. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था. अच्छा चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात. पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए. खुशी है किस बात की तेरे को भाई? दबे आज मेरे बेटे का बर्थडे है. तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है. क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं. तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो. वो सच्ची में तुम्हें यहाँ पर आ रहे हैं? पक्की बात है? हाँ पक्की बात है. मैं नहीं मानता यार. ठीक है फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ. अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा. पानी पड़ा भाई. वेलकम वेलकम. हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? अरे कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई जी. जितनी भी एंट्रियां हुई है ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया. अच्छा इतना काम करके नहीं थकते, इन्होंने एंट्री पे थका दिया. आप बात कर रहे हो, आया कि नहीं गोविंदा जी? तू बात करो पहले जी. हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर कर बात, उन्होंने इनवाइट किया ना. गोविंदा जी मैं, हेलो कौन? के साथ मिल गए जी. मैंने आपको इनवाइट किया था. मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी? अच्छे से क्या होगा नहीं मैं. गोविंदा सर एक तो पहले नहीं ये मान. अच्छा गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ हेलीपैड पे तो पंगा होगा बोझ ना, पायलट गाड़ी में ख्याल रखना. हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपए में. भाई इनको पता ही नहीं हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है. जा यार. किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते हैं. देखा चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ, चुराता हूँ. चलो मैं तो लोगों के गाड़ियां चुराता हूँ. चलो 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 चल चल रहा हूँ चक्कर हो जा. चलो मैं तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगों चुराता हूँ. गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं. वाह ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना. चमचागिरी नहीं है, ये मेरा प्यार है गोविंदा जी के लिए. तो तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा हुआ? आपको पता भाई इसकी बीवी जमीन पे सोती है छत पे सोता है? मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है. मेरे को तो आपको पता है पासपोर्ट वाला को फोन आता कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है. मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछा, उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है. तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें तो फैक्ट में इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हूं. मेरे बेटे का बर्थडे है तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है. तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ. ये है कौन? कोई नहीं, मैं ले आऊँ बेटे को. फाइन, थैंक यू. मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी. खजूर गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. भाई आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे, जैसे राजकुमार साहब वो पहले पुलिस में थे, फिर रजनीकांत साहब वो बस कंडक्टर थे, पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं ये जब से इनको देख रहे लगता है कि फिल्मों के लिए ही बने थे. बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार ताली आ जाए. और भी ढेर सारी बातें करेंगे. पाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए. अच्छा गोविंदा पाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर हम सब जानते हैं, जब ये डांस करते हैं ना सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं. हाँ मैंने बहुत फिल्मों में देखा सर. अच्छा एक फिल्म नजारा मुझे भी देखने मिलता.
I'm talking about सामने वाला एक्टर, not हीरोइन. एक फिल्म थी राजा बाबू जिसमें गाना था आई ओ ओ. हाँ. तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब, ये नाच रहे थे तो वो कच्छे में आ गए. हाँ. तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई थी. शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तभी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है. उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है. अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी कि अच्छा यार फटाफट एक एक चुटकुला सुनाना फटाफट, तो आदमी की जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं. सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए. कभी आपको बोलते नहीं लोग कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है. मुझे बहुत से ऐसे सम्मान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं हैं जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें. तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है और इतने में तारीफ में ये कहा जाता है सर थोड़ा सा तो सर डांस तो. तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था नहीं, मैंने डाला था वो पिक्चर में. अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का कितना नचा रहे हो. अच्छा आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन मूवी. अच्छा मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था भाई ये थोड़ा संभाल. और मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है. कहिए मैं क्या व्यक्ति है जिसकी तारीफ कर रहा हूँ. सिद्धू भाई अच्छा सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए. मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं. थैंक यू. जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है. और एनी वेज अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ. हमें भी सूट नहीं करता. अच्छा मैंने जब फिल्म की ना भाई मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो अपने आप संभाल लेना, पर आप इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना ये 150 करके जाते हैं. तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया. मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे. कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था. मैं आपको बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ. अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बच्चा ही है तू. ओए ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए. अच्छा. और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी. ओहो पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू. अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी. Oh. उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया. Oh. नई मशीन आई तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ. इतना बदतमीज है डॉक्टर. क्या भाई इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? ओ गोविंदा जी बैठे हुए हैं, नाइस टू मीट यू. आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी. मरेगा तो नहीं क्या गुलाटी? गुलाटी डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती हमने ये बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने? नहीं नहीं ये पुरानी नहीं है, बस दो बार ही पहनी हुई है सर लाने, पुरानी तो नहीं है. और दो बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार एक साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने. शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे रहा है उसको, चलो लड़की का सूट दे दिया. अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु. बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा. गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में
मैंने इसे पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल, ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे मैंने बहुत ज्यादा काम किया। बिलीव मी मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है, ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ को सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। तुम लोग नाच क्यों रहे हो? ये सेलिब्रेटिंग है। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा? हाँ। वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए उन्होंने। क्या? पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। पाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। डीट, वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं, ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार, अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है, मैंने कभी नहीं देखी। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है? बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं मेरी शादी के लिए? नहीं पूछने के लिए बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली, हमारा कोई कंपैरिजन है? बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे डांस स्टेप्स हैं जिनको गोविंदा स्टाइल कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये सेट पे जब जाते हैं शूट करने गोविंदा सर बहुत सारे स्टेप्स इंप्रोवाइज करते हैं, तो अपने आप इनका स्टाइल उसमें आ जाता है। सर देखिए सर, दोनों हाथ से दुआएं देते हैं लोग आपको। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है, आप जब नाचते हैं हजूरे वाला जनाबे आली, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। क्या बात है, अभी क्या है या, हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है, कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट, जैसे कोई गाना गाना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिटो लाइन टू लाइन जाते हैं, नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं पता नहीं। ओके मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ ये शुरुआत तो ऐसी हुई थी, दिल यहाँ हुआ करता था चले आंखों में। हाँ ये ना जी, और फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। जी आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और तरुण मास्टर जी उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया, दिल 2 फुट नीचे आ गया।
दिल गलत जगह पे लगा दिया भैया। देखिए जैसे कपिल के साथ में मैंने देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्ट्रेस का यहाँ आ जाए। हाँ कपिल अच्छा वैसे ही अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट ऑल स्वीट सर, थैंक यू सर, प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी, अब आपने ये कहा है जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये कृपा जो है ऐसी रहे और ये लोगों की जो नजरों में प्रेम है जी। ये बरकरार रहे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते दो तीन दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। सड़क वाले छतरी का जी छतरी का तो छोड़ दिया है उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी। नहीं गुस्सा किसी को गुस्सा है निकाल उसके बाहर, गुस्सा भी आए तो भी ऐसे मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं। ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे। और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, नहीं नहीं मैं ऐसे मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था 29 years 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम प्रणाम करता रहता है बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं वही वही करेक्ट है, गुड पर्सन है, ये सब मुंह पे कह देता है सच में। अरे जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना वो कहीं तो इसके दिल में कहीं है। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 years old हुआ तो मैं मुझे गई डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस वक्त पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को इसको मैं बजा करता उस जमाने जी। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ? फ़ोन किया आपने? मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है, फिर आपने बाद में पी बियर के बियर पी के नहीं? ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी और वो भी हवाई जहाज में, कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, शहरी है पीला रंग लाल हो जाए और गटक नहीं है ये, ऐसे नहीं है सिप सुप लेने कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या कौड़ी है? मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा दो कपिल देव दिख रहे। तो आपने इतनी सी पी थी ना? अगर अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा, आज तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर जैसे आप कोई जैसे हसीना मान जाएगी मैं, आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा है, तेरे को पकड़ लेंगे, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से कैसे करते हैं सर? ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था और वो उनका नाम ही हमने सड़ा टाइप का रख दिया था, बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे हो और भाई साहब कैसे हैं? कैसे हैं? आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं है कैसे? मेरे को पहले नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा।
आज पैसे आएंगे तो कैसे? पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर वन की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता जी का। सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम अपने आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पर, कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा है फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तो मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इंप्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का वाकया, आई वुड लाइक टू से, मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था, वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी, तो मुझे पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ये ठीक से पकड़ो ना, क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मतलब मेरा जी, मैं कभी नहीं, टच तो किया होगा कभी किसी को, टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा, इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता, तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। वो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट, उनकी फिल्म का था, तो बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ, तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी ज़रा हाथ बढ़ा ही लूँ, तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ हाथ में ही रह गया, आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा सब मैंने किए। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इंप्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेचने के लिए? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे, सीधे है ना? दिखता उठता नहीं, नहीं मेरे साहब तो ऐसे ही है, पता नहीं बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके, मतलब पता लग गया कि भाई आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी, और उस वक्त वर्क जो है वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी, कि भैया काम मिला है इतने साल बाद, तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा? हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा? तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए, ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है, चाह से बियॉन्ड चाहिए आपकी प्रेम, आपका प्रेम प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस? मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो।
ये लंबा जाएगा बहुत ज्यादा ठीक क्या बात है अच्छा है वो अच्छा है अच्छा सच सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो सच होता है वो अच्छा लगता है पाजी आपने जब पहली बार देखा था भाभी को हाँ तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही मैं गाड़ी चला रहा था अच्छा मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी तो आप जानते नहीं थे सुन तो ना वो मतलब थी इतनी खूबसूरत मैंने जब देखा ना उसको यूं करके मॉल रोड पे जा रहे थे हम 70 की स्पीड थी अच्छा मैंने जब देखा मैंने ब्रेक मारी चीं वो दोनों दोस्त ठा करके वहां तो सर तेरा क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया जब होना था बस पाजी आजकल ना रिवाज है आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है हाँ कोई भी आदमी जो होता है उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू शेरी है ना मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया गोविंदा सर को चीची तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी क्या आप भी चीची कहती थी नहीं मैं इनको लव्वू क्या हुआ है ओ बड़े फूल खिल रहे सर जी आज अच्छा पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं मैंने नहीं सुनना नहीं अच्छा आदमी की हिम्मत नहीं होती चाहे कोई कितने बड़ा फ्लर्ट हो लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं बड़ी खूबसूरत थी बड़ी अच्छी है ऐसा कभी हुआ मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के और बोलते थे हाँ बहुत बार अच्छा और मैं मजा लेके सुनती थी वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है वेरी इंटरेस्टिंग यार कमाल कर रही है भगवान ऐसी पत्नी सबको दे शाबाश मेरा पति आगे जा रहा है मुझे सब मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her I think so तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में सुनता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो हीरो है वो कर सकते हैं आप पॉलिटिशियन हैं आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली हीरोइन कौन है कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा नहीं नहीं ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना इसीलिए ऐसी कोई मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे अच्छी बात है सर ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता तो मुझे भी होता है कि मैं आपको जब डांस करते देखता हूँ कि मैं ऐसा डांस शायद कर लूँगा होता नहीं है क्योंकि समझने में सोचने में और करने में बड़ा अंतर है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि मैं भी हूँ गोविंदा वो आपके डांस स्टेप्स फॉलो करते हैं बड़ी देर से उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं अब वो कैसा करते हैं वो यहीं पर आगे बताएंगे जी कौन कौन है मेरे दोस्त जो जिनको लगता है कि मैं भी गोविंदा जी अच्छा वाह महिलाएँ भी हैं एक दो पीछे तीन चार अच्छा जी 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 मैम क्या कहना चाहेंगे आप मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे गोविंदा के नाम से ही जाना जाता है मेरे पड़ोस में बचपन से मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो पैंट शर्ट पहनती थी और तो हमेशा आजू बाजू वाले बोलते थे गोविंदा और वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में जब हांडी फोड़ होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हर साल फर्स्ट आती हूँ तो मैं गोविंदा के नाम से जानती हूँ लेडी गोविंदा बोलते हैं मुझे थैंक यू सो मच हाँ स्वीट कितना तेज तेज बोलती हैं आप तो आपके पति देव नहीं आए साथ में नहीं लो उनका गोविंदा इधर बैठा है वो कहीं और ही ना कहीं श्रीदेवी बने हो किसी के साथ देख लो फोन करते रहा करो बीच बीच में एमपी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आप भी मुझे कहना चाहेंगे ये भाई साहब को माइक दे दीजिए इनसे भी बात कर ले आई एम चिराग मैं खास दुबई से आया हूँ आपके आपका शो देखने के लिए थैंक यू और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एवरी सैटरडे संडे 9 o'clock हम यू नो वी स्टिक टू द टीवी एंड हम पूरा दिन टीवी के सामने एक्चुअली उस टाइम पे टीवी के सामने रहते हैं मतलब टीवी पे चिपक जाते हो एकदम पाजी और एकदम और यू नो हमारे घर पे ऐसे बच्चे भी होते हैं मेरा खुद का छोटा भाई है अभी उनको भी बोलते हैं कि अंदर जाके पढ़ाई करो हॉल में टीवी देखने तो भी ऐसे चुपके यू नो थोड़ा सा दिख जाए बस यू नो वो कपिल अभी हंस रहा है कोई जोक हो रहा है तो आपके शो के हम बहुत बड़े फैन हैं आपका भाई कितना छोटा है वो 6 साल का है तो आप कितने साल के हैं 22 साल का इतना बड़ा गैप वो मेरे पापा एक्चुअली सिद्धू भाई जी के बड़े फैन है वो स्टार्ट स्लो करते हैं फिर लंबे छक्के मारते हैं
क्या करते क्या आप दुबई में? जी सर मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, आप सब आ जाइए इस तरफ, भी मेरे कोई दोस्त है। सबसे पहले जिनसे हमने बात की, मैं चाहूंगा कि आपके साथ गोविंदा सर आपको देखना कि रियल में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है और ज्यादा अच्छे तरीके से कॉपी आपको कौन करता है। तो जी मैम आप कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगी? सर मैं गोविंदा जी की हंसी हंसती हूँ। अच्छा तो प्लीज जरूर मतलब कुछ सिद्धू जी की हंसी आती है आपको? जैसे सिद्धू जी हंसते हैं खुल के? नहीं 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 ये तौहीन मत कर रहा हूँ। सिद्धू जी कैसे हंसते हैं? कैसे कैसे? तेताली। तो सुनीता मैम आपने तो करीब से गोविंदा सर को हंसते हुए देखा, आपको लगता है हंसी मिलती है इनकी? नहीं इतना तो खतरनाक नहीं हंसते। आइए मैम आइए, पर आप बहुत क्यूट है, आइए। बहुत क्यूट है भैया आप। अब हमारे पुरुष दोस्त। तो जैसे कि सर आपका ओम शांति ओम में जो कैमियो था जी शाहरुख खान के साथ, तो आप बस गले मिलते हैं एंड शाहरुख खान आपको ऐसे फोर्स कर देगी प्लीज प्लीज एक एक स्टेप कर दीजिए, आप ऐसे एकदम नहीं करके सेम भोपाल में एक आदमी ऐसे बांध देता है उसके रश बड़ा होता है। ये तो नहीं था इनका झटका आता है वो सर कोरियोग्राफर ने ऐसा स्टेप दिया तो मैंने भी कर दिया। अच्छा अच्छा आप बहुत कॉन्फिडेंट और बड़े विटी हैं आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आपको क्या लगता है कि गोविंदा सर के साथ जो आपने डांस किया इसके बाद आपके स्टूडेंट्स की गिनती में इजाफा होगा कि कम हो जाएगा? माइक ले लीजिए। आपका शो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। हाउ स्वीट, थैंक यू। वैसे बच्चे भोले होते हैं उनको कहाँ अच्छे बुरे का पता। अच्छा ये कहावत जो बनी ना कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं ये आज सच हो गया। बिल्कुल आप तो डांस में भी नहीं बोलने देती। बहुत अच्छा था, सुपर। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो सुनीता मैम गोविंदा सर आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं और सुनीता मैम को पहली बार वैसे गोविंदा सर के साथ आप टीवी पे देख रहे हैं तो बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों के मन में, जिन जिनको जो जो पूछना है फटाफट आप खड़े हो जाइए। जी सर नमस्ते। सर नमस्ते, मैं सर बिहार से हूँ, मुझे आपका डांस डायलॉग वगैरह आपका चलना बोलना सब स्टाइल सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं आपको डायलॉग मैं आप ही के फिल्म का सुनाना चाहता हूँ। तो आप क्यों सुनाना चाहते हो, उन्होंने ठीक नहीं बोला था? नहीं सर, वो बोला था ठीक सर, लेकिन मुझे अच्छा लगा सर का डायलॉग। जी जी प्लीज प्लीज। हमको मेरे को ससुर थोड़ा हटके चाहिए ऐसा जिसको देख के पब्लिक पुलिस सड़क पर से हट जावे। और अरे काम करो आप ना, आप ये लाइन बोलो हम करेंगे। चलो भाई मेरे को थोड़ा ससुर चाहिए और जैसे अभी आप ये गोविंदा सर का कैरेक्टर था इन्होंने जो किया था उसमें हर बात पर हुड़ करते हैं, एक काम करो एक नई चीज टेक्निक करते हैं आप एक लाइन बोल के ना कि मुझे ऐसा ससुर चाहिए ये करो ऐसे ट्राई करके देखो नई चीज तुम नया आविष्कार करो यार दुनिया में। डिस्के मुझे ससुर ऐसा चाहिए हटके डिस्को है जिसको देख के पब्लिक हट जावे डिस्को है और मोहल्ले पर से पब्लिक हट जावे डिस्को है। हां बॉस चपड़ खंजू पुलिस स्टेशन से पुलिस हट जावे डिस्को है। पर अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके, मजेदार आदमी आप। थैंक यू सर। डिस्को जी और कोई मेरे दोस्त मित्रगण? जी जी सर। भाई गोविंदा सर जी हम लोग गोकुल धाम से कुछ सीनियर सिटीजन बोलते हैं लेकिन हम 70 वर्ष के जवान हैं और हम लोग आपके साथ डांस करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत प्यार से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।